सो गाइज, दिस इज़ आउटफिट ऑफ माई डे। तो अभी मैं जा रही हूँ, कहाँ पे वो आपको पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हेलो, माई नेम इज़ अलीसा थापा एंड दिस इज़ माई ब्लॉगिंग चैनल गाइज। तो आज हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं गाइज। तो अभी कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताती रहूँगी। यहाँ पे थोरागढ़ का ट्रिप बहुत ही अच्छा था और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था। बहुत कुछ देखा मैंने और मतलब बॉर्डर भी देख लिया। बॉर्डर देखने गए थे बट बॉर्डर बंद हो गया था तो हमारा थोड़ा पोपट सा हो गया था, बट फिर भी मैंने बाहर से देखा, अच्छा लगा मुझे बहुत। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय। तो वैसे गाइस, जिस मतलब जो यहाँ पे थोरागढ़ आएगा, क्योंकि यहाँ स्टे के लिए इतना अच्छा है नहीं, तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, ये बहुत ही अच्छा है और इसका रूम सर्विस भी बहुत अच्छा है। चलते हैं। कुछ मिला है देखो, ओह माय गॉड, कितना डेंजर है। कोड़ी ही है तू काफी लगे मैनू दूर, सोचा क्यों मैं इतना कोई। तो गाइस, आफ्टर 4-5-6 घंटे के सफर के बाद अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। आप देखो कितना सुंदर है, पूरा मतलब शिमला जैसा व्यू है या नीचे। और वहाँ पे आंटी लोग काम कर रहे हैं, मतलब पराल उठा रहे हैं, पराल ही बोलते इसको, ये है ना, इसको उठा रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, जलाने के लिए होगा शायद। ये यहाँ का व्यू है सुंदर सा। अभी रेस्ट मतलब 5 मिनट का रेस्ट है, फिर उसके बाद वापस जाएंगे। तो गाइस, फाइनली इतना मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करके 359 किलोमीटर चल के अभी हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ के जस्ट सामने। तो यहाँ से गाड़ी नहीं जाती तो हम यहाँ से पैदल जाएंगे और यहाँ पे इतनी ठंड है, तो मैं जो फ्रॉक पहन के आई थी ना उसमें बहुत ठंडा लग रहा है, बोला भी नहीं जा रहा, अचानक से ठंडी पड़ गई है। अभी जाते हैं और अभी बज चुके हैं 11 समथिंग हो रहे हैं। सो कैसा होगा आगे का, ओह तितली उड़ गई। तो अभी चलते हैं। तो गाइज, अभी हम यहाँ पहुँच गए पूरा बद्रीनाथ, एंड ये झूला है एंड ये पानी है। तो अभी हम आज आ रहे हैं, दर्शन तो हम सुबह ही करेंगे। तो गाइज, हम फाइनली लोकेशन में पहुँच गए एंड लोकेशन देख सकते हो आप, कितना सुंदर है। तो ये यहाँ का रूम्स है एंड यहाँ पे आपको टेंट भी दिखेंगे। दिस इज़ द व्यू, ये है यहाँ का व्यू गाइज। यहाँ पे इतने छोटे छोटे से फूल है, इतने सुंदर सुंदर, यहाँ देखो सी कितने सुंदर है ये छोटे छोटे मिनी सनफ्लावर। तो गाइज, अभी हम खाना खा रहे हैं तो यहाँ पे सब वेज ही मिलता है। ये है हमारी थाली एंड मिलते हैं खाना खाने के बाद। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, अनदर डे एंड सेम ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मंदिर। तो पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, ये देखो बादल भी नीचे आ गए हैं। तो पहले हमें बादल ऊपर ऊपर दिख रहे थे बट अब बादल नीचे आ चुके हैं एंड वो है मंदिर। बट बहुत भीड़ है, ये पूरा लाइन यहाँ पे भीड़ है। तो अभी चाय पीते हैं, खाएंगे तो कुछ नहीं, नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ मैं। तो अभी हम मंदिर जाएंगे। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सूट पहनूंगी बट इतना ठंड है गाइज, इतना ठंड है, तो मैंने जो पहना था वही पहन के वापस जा रहा हूँ। गाइज, ऐसे वेदर में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। तो आई एम हैविंग ब्लैक टी, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, एक चीज़ तो मैंने अब नोटिस किया है, जो बादल थे ना, तो बादल तो है ही, साथ में बर्फ भी है। तो ये मैंने अभी देखा। तो गाइज, अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। तो जिस जगह अभी हम हैं, ये है नर पर्वत एंड ये जो है नारायण पर्वत है। तो ऐसा कहा जाता है कि आने वाले टाइम में ये जब जुड़ जाएंगे ये दोनों, तो यहाँ का बद्रीनाथ बंद हो जाएगा, भविष्य बद्री निकलेगा फिर। तो अभी ये दिखने में इतना सुंदर लग रहा है बट होप्स ऐसा ना हो। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो थोड़ा सा ट्रैक है यहाँ पे, तो कम से कम कितना 200 मीटर का ट्रैक है। तो अभी हम जा रहे हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि मैं हम क्यों बोल रही हूँ, मैं लोगों को क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि वो लोग मतलब किसी को होता है कि वो कैमरे में नहीं आना चाहते, तो इसी कारण है। तो गाइज, यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हो आप, कितना सुंदर है। और अभी मैं ग्रीनरी में चल रही हूँ, तो अभी थोड़ा ट्रैक है, मिलती हूँ आपको डायरेक्ट मंदिर में।
तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर और यहाँ आप देख सकते हो कितना भीड़ है। सो ये है यहाँ का मंदिर, मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। दिस इज बद्रीनाथ एंड भीड़ देख के तो हालत ख़राब सी हो रही है। तो गाइज मैंने सोचा था कि हम जाएंगे और पूजा करेंगे, तभी हम मतलब यहीं पास में हमने स्टे किया था, बट यहाँ पे जो लाइन देख सकते हो आप, ये यहाँ से वो वहाँ मंदिर बद्रीनाथ तक का है एंड 1500 से ज़्यादा इंसान हो गए यहाँ पे, पता नहीं नंबर कब आएगा। तो फाइनली गाइज आधा सफर हो गया, मतलब आधा से ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। तो ये वो रहा मंदिर का सीढ़ी, मेन सीढ़ी, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा मंदिर का व्यू दिखा देती हूँ और भीड़ देख सकते हो। गाइज ये है सुबह का नज़ारा और अभी हम लोग मंदिर से आ गए हैं और भाई मंदिर में मतलब इतना भीड़ और आपको दर्शन मतलब पूजा करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। मैंने तो जैसे ऐसे प्रसाद दिया मैं ऐसे झुकी, उन्होंने बोला सामने तो देखो, और जैसे ऊपर देखी मैं बाहर दरवाजे के बाहर, वही पता भी नहीं चला क्या हुआ भाई, मतलब इतना स्पीड है ना वहाँ पे कि आपको बस पूजा करेंगे और फिर बाहर, पूजा भी नहीं आप देखोगे सामने तब तक बाहर हो जाओगे। सो गाइज ये यहाँ का फूल है, तो ये जो फूल है ये जर्मनी का फूल है, तो यहाँ पे ये उग रखा है, कितने सुंदर लग रहे ना। तो गाइज़ मैंने तो यकीन भी नहीं किया था कि मैं कभी लाइफ में बद्रीनाथ आऊँगी, बट अचानक से आना हुआ, तो मतलब एक भगवान का बुलावा ही होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी मैं यहाँ आई, और इन फ्यूचर होप सो हो सके तो मैं अपनी फैमिली को भी लाऊँगी। सो आई एंजॉयड अ लॉट एंड बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ घर, तो आपको मैं घर डायरेक्ट घर पर मिलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऐसा ऐसा रास्ता है और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे उल्टी होती है। तो मिलते हैं। मुझको पता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। तो गाइज इतना घंटा सफ़र करने के बाद अभी मैं लगभग ऋषिकेश पहुँचने वाली हूँ, और जब हम लोग ऊपर से आ रहे थे इतना गर्म था, इतना गर्म, बट मुझे पता चला कि देहरादून में बारिश हो रही है तो यहाँ पे इतना ठंडा है, मतलब यहाँ वेदर देख सकते हो भाई, ये बादल क्या लवली वेदर है भाई, उत्तराखंड अपना उत्तराखंड ही होता है भाई। सो अभी जाते हैं, चलते हैं, रास्ते में मतलब मैं सोते सोते आई हूँ और हमें ना पुलिस वाले भी मिले थे तो उन्होंने गाड़ी रोक दी थी, तो मुझे लगा कि ये चेकिंग चुकिंग है, कुछ भी है पता नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगा, तो हमने लगा थोड़ा यहीं तक छोड़ना है, वही 52 किलोमीटर्स उन्होंने लिफ्ट लिया हमसे, देन फिर अभी हम जा रहे हैं वापस। ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦੇ ਮਖੌਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੋ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਅਭੀ ਹਮ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਯਹਾਂ ਆਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਭੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਰੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋਆ ਮੈਨੇ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਵੀ ਚਿਕਨ ਖਾਓ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲੇਂਗੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋ ਐਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਕਾ ਟ੍ਰਿਪ ਥਾ रेस वेस कुछ हुआ नहीं, इतना घूमे फिरे, ज़्यादातर तो हमारा ट्रैवलिंग में ही टाइम चला गया। सो अभी घर चलते हैं, फिर मैं तो मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और काफ़ी लंबा ट्रिप था हमारा और अभी मस्त से घर आ गई हूँ, तो अब मैं जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, खाना मैं बाहर से खा के आई हूँ। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव, बाय।